दंतेवाड़ा के रेकागवाया गांव के पास मारे गए 8 माओवादियों के शव बरामद किए गए थे। सभी शवों को लेकर जवान दंतेवाड़ा पहुंच रहे हैं। घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। मारे गए नक्सलियों को अभी पहचान नहीं कर पाया गया है। वही पुलिस को सूचना मिली थी कि अबूझमाड़ से रेकावाया इलाके में नक्सलियों की प्लाटून नंबर 16 और इंद्रावती एरिया कमेटी के नक्सली मौजूद हैं। जवानों को नक्सलियों की सटीक लोकेशन मिल गई। तब इलाके में भौगोलिक परिस्थितियां को देखते हुए 3 जिलों नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा पुलिस को ऑपरेशन के लिए उतारा गया। मौके से 8 वर्दीधारी माओवादियों के शव के साथ विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। उसी के तहत जो है पिछले 72 घंटे से नक्सलियों के खिलाफ अबूझमाड़ में एक अभियान चल रहा था और कल यानी बीते हुए कल जो 23 तारीख को सुबह से जो तीनों जिले के जो सीमावर्ती एरिया है, जो अबूझमाड़ का पूरा अत्यंत घने जंगल और पहाड़ी एरिया है, वहां पर जो है नक्सलियों के साथ इनकाउंटर शुरू हुआ और सुबह लगभग जो है 8:30 से शुरू हुआ और कई बार मतलब उनके साथ इनकाउंटर हुआ और ये लगभग जो है 5:30-6 बजे तक चला और उस अनुसार जो है कल इसमें मौके पर एक ट्रेनिंग कैंप भी था वहां पर, तो उसको भी ध्वस्त किया गया वहां पर पूरा ट्रेनिंग के लिए उनके रहने के लिए। उसमें लगभग 400 पेयर चप्पल भी बरामद हुआ जिसको वहीं पर मौके पर चप्पल जूता जो था मौके पर नष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त और भी कई सारा जो सामान बरामद हुआ था उसे भी नष्ट किया।